नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन प्रकाश अपने यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं करेंट अफेयर्स आज 3 दिसंबर को आप लोगों के सामने लाया हूँ। फर्स्ट प्रश्न है, 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, जमैका के रेगे संगीत को, रेगे संगीत है जो कि जमैका में बोली जाती है, तो जमैका के बोली नहीं जाती, संगीत है गाई जाती है, जमैका के रेगे संगीत को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की मान्यता दी है। नेक्स्ट है, रणिंदर सिंह, रणिंदर सिंह ISSF के उपाध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय बन गए हैं। रणिंदर सिंह ISSF के उपाध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने रूस से 3,000 करोड़ रुपये के रक्षा उपकरणों की मंजूरी दी है। हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने रूस से 3,000 करोड़ रुपये के रक्षा उपकरणों की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है, एंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर मैक्सिको के राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट है, 2022 का G20 शिखर सम्मेलन भारत में होगा। 2022 का G20 शिखर सम्मेलन भारत में होगा। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन पर COP24, जलवायु परिवर्तन कप पर COP24 का आयोजन कोटोविक पोलैंड में शुरू हो गया है। काटोविक पोलैंड में शुरू हो गया है। नेक्स्ट है, सिंगापुर को पछाड़ते हुए UAE का पासपोर्ट यानी दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बन गया है। UAE का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बन गया है, जो कि सिंगापुर को पीछे छोड़ दिया। नेक्स्ट है, यूनिसेफ ने चिल्ड्रेन HIV एंड एड्स द वर्ल्ड इन 2030 नामक एक रिपोर्ट जारी की है। यूनिसेफ ने चिल्ड्रेन HIV एंड एड्स द वर्ल्ड इन 2030 नामक रिपोर्ट जारी किया। नेक्स्ट है, हिंद महासागर में पिग्मी फॉल्स कैट शार्क नाम की एक गहरी समुद्री शार्क प्रजाति पाई गई है। हिंद महासागर में पिग्मी फॉल्स कैट शार्क नामक एक समुद्री शार्क प्रजाति पाई गई है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट करना ना भूले, साथ साथ शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। मैं आपको डेली करेंट अफेयर्स प्रोवाइड करता रहूँगा। थैंक यू।